मनुष्य का मन भी ना बड़ा चालाक होता है, वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के भीतर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि आप नशा करते हैं, अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हमारा मन हमें हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। एक बार बुद्ध एक नदी किनारे से गुजर रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। ठंड का मौसम था, ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई व्यक्ति गर्म पानी से भी नहाना ना चाहे, लेकिन वह व्यक्ति इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा था। उस व्यक्ति को देख बुद्ध थोड़ा चौंकते हैं और खड़े होकर उसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार उस नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के इस कृत्य को देख बुद्ध बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उस व्यक्ति के पास जा उससे पूछते हैं, भंते, तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें स्नान ही करना है तो स्नान तो एक बार में भी हो सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने संकल्प लिया था कि आज सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकी लगाऊंगा, लेकिन उस कमबख्त मेंढक ने मेरा सारा संकल्प खराब कर दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेंढक मनुष्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है जो उसने एक मनुष्य का संकल्प खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्र नजर आता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि मेंढक में क्या अपवित्र होता है, लेकिन मैं ये अवश्य जानता हूं कि मेंढक अपवित्र होते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं साबित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, जिस बात को तुम साबित नहीं कर सकते, उसे तुम जान कैसे सकते हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, क्षमा करिए महात्मा जी, लेकिन मुझे यही बताया गया है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, मेरे गुरु ने। बुद्ध पूछते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है, मेरा। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम अपने इस जीवन को अपने अनुभवों से जियोगे या अपने गुरु के अनुभवों से? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, अपने अनुभवों से। बुद्ध कहते हैं, तो बताओ सत्य क्या है? क्या एक मेंढक अपवित्र हो सकता है? वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं नहीं जानता। मैं आपको पूरी घटना समझाता हूं। दरअसल मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि अगर सुबह सुबह मैं इस नदी में 100 डुबकी लगाऊंगा तो मैं अपने बुरे समय से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाने आया था। मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकी लगा पाया, और जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जाने लगा तो मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूं, इसलिए मैं दोबारा से नदी में जाकर 100 डुबकी लगाने लगा।
इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपनी ही गलत सोच के कारण खुद को ही दुख दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव भी नहीं है उसे मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखों पर बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है। जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें अपवित्र नहीं हैं उन्हें वह अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, व्याभिचार करते हैं, एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इन्हें अपवित्र नहीं मानते। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है जिसके कारण वह पूरे जीवन जी ही नहीं पाता। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास ये है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है, कोई उम्मीदों में जी रहा है, किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मन को कैसे समझा जाता है? बुद्ध कहते हैं, जागरूकता से। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार यह देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। यही सूत्र है मन से मुक्त होने का।